नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टिक देख रहे हैं बिहार के तमाम पंचायती राज के वार्ड सदस्यों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा निर्णय लिया है जो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, पंचायती राज के जितने वार्ड सदस्य हैं पूरे बिहार के, उन सभी के मानदेय में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले अगर हम मानदेय की बात करें तो पहले महज 500 रुपये मानदेय था जितने वार्ड सदस्य हैं उनका, लेकिन अब मानदेय को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिए गए हैं। जी हाँ, 5,000 रुपये मानदेय को बढ़ा दिया गया है। आपको हम बता दें, कल से बिहार में पंचायती राज का जो कार्यकाल है, लगभग कह सके आज से ही पंचायती राज का जो कार्यकाल है, जितने मुखिया हैं, जितने सरपंच, उन सभी कार्यकाल जो है वह समाप्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले ही बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा तोहफा दिया है जितने वार्ड सदस्य हैं उनको। क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनिए। आज बिहार सरकार के निधार कैबिनेट की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ और इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार में जो वार्ड सदस्य हैं इनको अभी तक मात्र 500 रुपया मिलते थे। अब हम लोगों ने नल जल योजना के प्रावधान के तहत, क्योंकि गांव में इसके मेंटेनेंस की भी जरूरत है, नल जल योजना में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 फाइनेंस के माध्यम से जो बिहार को राशि उपलब्ध हो उसके माध्यम से अब वार्ड सदस्य को पहले 500 रुपया मिलता था, अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 2,000 रुपया अतिरिक्त तौर पर उनको मानदेय मिलेगा और वो यदि नहीं तैयार होंगे इस कार्य को करने के लिए, मेंटेनेंस को करने के लिए, तो वार्ड प्रबंधन समिति के जो दूसरे सदस्य हैं इसको काम को देखने का काम कर सके और 2,000 रुपया 15 फाइनेंस से मेंटेनेंस के लिए भी दिया जाएगा। साथ ही साथ लगभग 200 घर होता है, हाउस होल्ड होता है एक वार्ड में, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसमें प्रत्येक घर से 30 रुपये के दर से, मतलब प्रत्येक दिन 1 रुपये की दर से हम लोग हाउस होल्ड से राशि उपलब्ध कराएंगे और इसका जोड़ लगभग 6,000 से अधिक वसूली का काम वार्ड सदस्य के माध्यम से होगा। ऐसे परिस्थिति में सभी वार्डों को, वार्ड सदस्य को 5,000 से अधिक राशि उपलब्ध हो पाएगा और इसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए भी लगभग 5,000 से अधिक राशि उपलब्ध होगा, जिससे कि वार्ड में बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जो छोटे मोटे नल का काम बचा होगा या पाइपलाइन की आवश्यकता होगी वो सारे काम किए जाएंगे। इसलिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के, पंचायत के, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि गांव को किस तरह शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है। बता दें आपको, कल से पूरे बिहार में मुखिया राज पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है, यानी कि परामर्श समिति कल से चलेगी गाँव के भीतर, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो वार्ड सदस्य ही होंगे, मुखिया होंगे और जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। तो लोगों की अब देखभाल ठीक से हो, क्योंकि फिलहाल चुनाव हो नहीं सकते हैं, कोरोना का दौर चल रहा है और ऐसे में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा तोहफा दिया है, मानदेय 500 से बढ़ाकर सीधा 5,000 तक कर दिया है तमाम वार्ड सदस्यों का। तो इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं खुशी आई होगी तमाम जो मुखिया होते हैं, जो वार्ड सदस्य होते हैं उनके चेहरे पर। बहरहाल आप लाइवस्ट्रीम से बन रहे हैं, हम खबरों का सिलसिला हमारे साथ यूं ही बरकरार रहे आपका, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम हर छोटी बड़ी खबरों के साथ आपको अवगत कराते रहें। साथ ही साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ट्विटर हैंडल पर भी हमें जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।